हरियाणा के मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर महेंद्रगढ़ जिले के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने नांगल चौधरी और नारनौल विधानसभा क्षेत्रों के 6 गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम कर चुके हैं, जहां करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल महेंद्रगढ़ जिले के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम इन 3 दिनों में जिले में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से सीधे मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अब से पहले पूर्व नांगल चौधरी और नारनौल विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जहां लोगों को करोड़ों रुपयों की सौगात दी, जिससे क्षेत्र में विकास कार्य करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को नारनौल विधानसभा क्षेत्र के गाँव सीमा को उप तहसील का दर्जा दिए जाने की भी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम के 3रे दिन महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तहत नांगल सिरोही में लोगों से मुलाकात की और उनके परियोजनाओं को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तहत 3 गांव में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिनमें नांगल सिरोही, बवानिया और सतनाली में जनसंवाद कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री ने नांगल सिरोही में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान आए लोगों से कहा कि वो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत और हरियाणा की चिरायु योजना का लाभ उठाएं, जिससे कि बीमार होने पर 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा दिया जाता है। सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि नांगल सिरोही में अब तक 3 करोड़ 44 लाख रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने शिक्षा के बढ़ावे को लेकर कहा कि सरकार प्रोफेशनल शिक्षा पर ज्यादा जोर दे रही है, जिसमें ITI जैसे संस्थान शामिल हैं। उन्होंने रोजगार को लेकर कहा कि अब से 3 साल पहले महेंद्रगढ़ के खुड़ाना में IMT खोले जाने की घोषणा की गई थी। अब इस योजना को शुरू किया जाएगा, क्योंकि अब से पहले जमीन नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब पंचायत ने 1086 एकड़ जमीन सरकार को देने की बात कही है, इसलिए खुड़ाना में IMT का काम इसी साल से शुरू किया जाएगा। जो नौकरी प्राप्त कर जाए ठीक है, नई नौकरी अगर मिलती है तो उनके लिए भी रोजगार के सारे सिस्टम ये भी हम बना रहे हैं। रोजगार के सिस्टम बनाने में काम तो बहुत चल रहे हैं। 2 काम का उल्लेख करूंगा। एक तो अपने इसी विधानसभा में हमने 3 साल पहले एक खुड़ाना की जगह पर IMT की घोषणा की थी। मुझे बार बार अमला जी कहते हैं कि उस घोषणा का क्या हुआ। देखो, हम तैयार हैं एकदम, लेकिन मामला होता है उसमें जमीन का। तो जमीन जो है उसमें कुछ किसानों ने तो कहा कि हम दे देंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ किसान कहते हैं हम नहीं देंगे। आखिर में फिर हमको ये ध्यान में आया कि जो पंचायत की जमीन है 1086 एकड़ है, उस 1086 एकड़ को पंचायत देने के लिए तैयार हो गई है। सीएम ने नांगल सिरोही में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की शिकायतें सुनी और मांग की थी कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने नांगल सिरोही में ही CHC की मंजूरी दी है। अब से पहले यहां पर PSC थी, ताकि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं नांगल सिरोही में ही मिल सके। इतना ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की हालत बेहतर हो और इसलिए लोगों को आवागमन में परेशानी न हो, इसके लिए 100 करोड़ रुपए सड़कों के लिए मंजूर किए। लोग रोज व्यायाम करें और शरीर को तंदुरुस्त रखें, इसका ध्यान रखते हुए सीएम ने महेंद्रगढ़ के घोली जाखड़ी में व्यायामशाला को भी मंजूरी दी। वहीं एक सरपंच की मांग पर महेंद्रगढ़ से बूचोली तक सड़क मार्ग को मंजूरी देते हुए इस पर 1 करोड़ 57 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान नांगल सिरोही के सरकारी अस्पताल का ग्रेड बढ़ाए जाने से लोगों में काफी खुशी है। लोगों ने इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि अब यहां पर बड़ा अस्पताल बन जाने से उन्हें और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं लोगों ने मुख्यमंत्री द्वारा सड़कों के निर्माण और उनको ठीक किए जाने के लिए जो घोषणा की है, उसको लेकर भी काफी सराहना की और कहा कि इससे अब आवागमन बेहतर हो पाएगा। हमारे गांव में मुख्यमंत्री का जनसंवाद प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हमारे CHC थी, उसको अपग्रेड करके जनरल हॉस्पिटल बना दिया और 5 गांव के लिंकों की घोषणा कर दी है। लिंक रोड है जो हमारी महेंद्रगढ़ नारनौल से जो जोड़ावास खरौली सड़कों के निर्माण का प्रोग्राम हुआ यहाँ पे, और सभी मांगे तुरंत उनको प्रभाव से लागू किया गया है, या कुछ ऐसी है जो टाइम लगेगा उनको भी टाइम दिया गया है। उनके जो ऑफिसर है उनको सभी को अस्पताल को अपग्रेड कर दिया गया है, जो कि आसपास यहाँ के काफी गांव आते हैं तो उनको बहुत फायदा मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल महेंद्रगढ़ जिले के 3 दिनों के प्रवास पर हैं। सीएम ने अब से पूर्व 2 दिनों तक नांगल चौधरी और नारनौल विधानसभा के 6 अलग अलग गांव में जनसंवाद कार्यक्रम किया, जहां लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान भी किया गया।
महेंद्रगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।